हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी के पेपर के बारे में, के जनरल पार्ट को या सामान्य अध्ययन कह सकते हैं, जो कि कल हुआ है 20 सितंबर 2020 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और लास्ट ऑप्शन है ए एंड बी दोनों में। तो इसका उच्चतम न्यायालय सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि पंचायतें जो है वो 9 भाग में होती हैं, भाग 9 में। नगर पालिका 9 क में होती है, और सहसमकारी समिति 9 क में होती है, लेकिन अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल्स, ये पार्ट एक्स में नहीं होता, ये बल्कि 15A में होता है। ये जो है वो 15A में होता है, जो 42nd अमेंडमेंट में बना था। और इसमें जो एक सहकारी समिति दिख रही है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, और गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। तो यही यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब ऑप्शन सही हैं। जैसे धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण भी अनुच्छेद 29 में है। तो सभी ऑप्शन सही हैं, केवल ये बी सही नहीं है। तो इसलिए जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी है। उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन था, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के निर्धारण जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहते हैं नीला बॉक्स सहायिका। तो इसका सही आंसर है 4A। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020 एंड 2021 में निम्नलिखित किस योजना में बटन बजट आवंटन 2019 और 20 की तुलना में कम हुआ है। तो वो है मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। पहला, बैंक दर में वृद्धि। दूसरा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। और तीसरा है संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। और चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो छठवां का बी सही है। सातवां क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो ये हो जाएगा चैत्र। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये नवरात्रि को वहाँ सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है, तो यही ये गलत हो गया। ये रुड़की की टीम ने नहीं बनाया था, बल्कि ये बॉम्बे की टीम ने बनाया था, IIT बॉम्बे ने। तो ये पहला पार्ट गलत है, और इसका दूसरा पार्ट है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहाँ पर संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। ये दूसरा पार्ट इसका सही है, तो इसका सही हो जाएगा 9th का बी, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो वो सिंपल है, ट्रोपोस्फीयर। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है।
यहाँ कुछ लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगाया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो ये होगा नाइट्रोजन वातावरण में, जिससे वो काफ़ी दिनों तक सही बने रहते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजनी वातावरण में रखा जाता है। ठीक है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कोई भी विधि ठोस के लिए नहीं है, ठोस की अशुद्धि दूर करने के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिक्विड के लिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, जो कि काफ़ी आसान है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग होता है लाल रंग, सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग होता है बैंगनी रंग, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, हींग प्राप्त की जाती है, ये तने के स्राव ने लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी, जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है, तो 15वां का बी ऑप्शन सही है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में, उभयचरों के पास त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, इसमें जो स्तनधारी दिख रहा है उनमें चार होते हैं, चार कोष्ठीय हृदय होते हैं, पक्षियों में भी चार कोष्ठीय हृदय होते हैं और मछलियों में दो हृदय होते हैं, तो इस तरह से त्रिकोष्ठीय हृदय वाला उभयचर होते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो था हकीम सूर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 में, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? अंग्रेज़ों को बंगाल बिहार से अपार धन एवं जनशक्ति मिला, सही है। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर अधिनियम दिया हुआ है और इधर वर्ष दिया है, कौन सा अधिनियम किस वर्ष में आया उसके हिसाब से। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1908 में नहीं आया था, ये आया है 1911 में, तो इसलिए ये वाला सही नहीं है, सो यही हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर कुछ विद्रोह दिए हुए हैं, फिर उनका टाइम कॉल है इधर, और उन्हें सुमेलित करना है, तो इसका वही बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 में और पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873-76 में, इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था अपने आप को मुबारक खिलजी ने, ठीक है, जो खिलजी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे, तो इनमें से कौन है जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? तो वो थे BC दत्त, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, तो पहला ऑप्शन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ये सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये भी सही है। क्या सही नहीं है वो बताना है।
यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक हिंसक आंदोलन हो गया था, तो ये वाला सही नहीं है। तो हमारा 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था, भारतीय अधिनियम 1935 को से। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रिस प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना और सीआर फॉर्मूला। तो इसमें जो क्रिप्स का प्रस्ताव है वो 1942 में हुआ था और अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था और वेवेल योजना सबसे लास्ट में हुई थी, तो तीसरा वाला बाद में हो जाएगा और अगस्त प्रस्ताव पहले हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो यही बी वाला इसका ऑप्शन सही है, 25 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस साल के पेपर में काफ़ी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया है कि कौन सम्मिलित है कौन नहीं है, या कहाँ सत्य है कौन से असत्य है, इसमें इस तरीके से इस साल का पेपर कुछ कठिन ही है। तो बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, तो यही यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, बाकी सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है फसल और एक तरफ है खरपतवार, तो गेहूं में फ्लेरिस माइनर होता है, धान में बथुआ, तो यही सही है, ये सही नहीं है, धान में बथुआ का खरपतवार नहीं होता है, वो सही नहीं है, इसलिए 27 का बी सही हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 में सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसमें अगर हम खरबूजा को मिला लें, खरबूजा हमारा गर्मी के दिनों में होता है, तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी, वो निगम थी या कंपनी थी, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो पहला है भारत का जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि ये करेक्ट नहीं है, तो पहला गलत हो रहा है इसमें। भारत दुनिया का पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये करेक्ट है, और भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, ये भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, तो निम्न दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, ठीक है, और दूसरा कारण है एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, इसका ए सही लग रहा है, लेकिन अब वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ऑफिशियल आंसर की आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं? जो ये बजट है ये 2021 के अनुमानित आय के स्रोत हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और कूट से हमें सही उत्तर देना है। तो निगम कर को कहा है, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ये ऑप्शन डी भी हो सकता है या कहीं कहीं ऑप्शन ए भी आ रहा है, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे ये ऑप्शन डी ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित हैं, तो ये हो जाएगा कृषि, इसका आंसर है कृषि। अब यहाँ ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास के महान विभाजक के रूप में देखा जाता है? तो वो है 1921, जहाँ की निगेटिव जनसंख्या में ग्रोथ हुई थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है झेलम। तो 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी ठीक है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 2010 में, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है और इधर लॉ एस्क, तो यहाँ पे सारा सही है, केवल जर्मनी जो नॉर्मंडी है ये इसके लिए फेमस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन सी है। 40, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे यही बी वाला सही सुमेलित है, बाकी सब करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है पर नहीं स्थित है? दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो वो है बोत्सवाना, ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। 42, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, तो 42 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये है कच्छ में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, ये है बनारस से नई दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? किसमें देश का प्रथम कृत्रिम संयंत्र लगाया गया है रबर का? तो वो है पानीपत। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो है जामनगर। कौन सा राज्य सर्वाधिक तट व रेखा वाला राज्य है? तो वो है गुजरात। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये काफ़ी आसान रहा। निम्नलिखित में से सेल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो वो है गोंडवाना समूह। यहाँ पे एक धारवाड़ समूह लिखा है जो ये खनिज संपदा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोयले के लिए गोंडवाना समूह, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो अमेरिकी प्रथम महिला राष्ट्रपति मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा, तो उन्होंने योग सत्र को नहीं देखा था, सो ये गलत हो जाएगा।
एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया कि विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी शिक्षा बाल विद्यालय था, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, इसलिए इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ पद दिए गए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास, ये हमें पता है कि ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो पहले का 4 हो जाएगा और एक ही ऑप्शन से हम पकड़ सकते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। इसे महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो पहला 4 हो गया, तो और कोई ऑप्शन में 4 नहीं है, तो आप इससे भी केवल पकड़ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 51। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो वो है पैरासाइट। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए, तो वो आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में, उड़ीसा। 53। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभी कथन ए और दूसरे को कारणार से चिन्हित किया गया है। फरवरी 2020 में सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया, और कारण है सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो इसमें आपका केवल ए सत्य है और जो कारण है वो सत्य नहीं है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 2020 में कितनी टीमों ने भाग लिया, तो वहाँ पर कुल टीमें ने जो भाग लिया था वो 10 थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले ये हैं NS धर्मशक्तु, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 55 का। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन है, 63 का 9 दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 6 + 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ 6 + 8 = 14 हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। 6, 3, 9 और 8, 6, 14, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सही युग्म का चयन कीजिए जिनमें से दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म में होगा, तो दिया है डायनासोर का रिलेशन ड्रैगन के साथ, तो उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, कुछ ये लग रहा है कि गोरिल्ला या सैनिक होगा या फिर मेरे हिसाब से ज़्यादातर हिम और बर्फ होगा, तो जो रिलेशन डायनासोर और ड्रैगन का है वही हिम और बर्फ का है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा, तो 8, 15, 28 और 53 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 102, तो इसको हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, 8 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, फिर 15 में 2 मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, 28 में 2 मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करेंगे तो 53 होगा, तो उसी तरीके से 53 में 2 मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करेंगे तो 102 आएगा, तो 58 का डी ऑप्शन सही है। 59। निम्नलिखित प्रश्न में से अंकों का एक अभ्यूह दिया गया है, ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। यहाँ पे 18 का 9 हो गया है, तो 26 का 13 है, तो इस तरीके से 20 का यहाँ पे सीधे 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो ये होता है पूरब और इधर पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ वो 15 गया, सपोज करिए यहाँ पे 15, एंड देन बाएं मुड़कर वो 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर, और फिर वो पूरब की तरफ मुड़कर 25 किलोमीटर। तो ये 15 था और 25 वो पूरब की तरफ आ रहा है, तो 15 यहाँ हो गया, तो इधर कितना होगा 10, क्योंकि 15 तो वो इधर ही चल रहा है, यहाँ तक 15 है, तो इधर जो बचा वो 10 हो गया। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर, फिर से बाएं मुड़कर वो 20 पहुँचा यहाँ पे। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे था, तो यही जो 10 है उतनी दूरी पर था। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तो 60 का ऑप्शन बी करेक्ट है। उसी तरीके से निम्नलिखित संख्या में अन्य तीन से भिन्न है, कौन सी संख्या अन्य तीन से भिन्न है, तो इसमें ये 9 4 13 हो जाएगा, ये 7 6 13, ये 8 5 13 और ये सिंपल 13 है, तो यही सबसे भिन्न है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है और सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध होगा। तो अब संबंध निकालेंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, उल्टा या सीधा सोचे तो ए का डी से है या डी का ए से, किस तरीके से, तो इसमें ससुर या फिर पुत्र वधु, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ये आयोग ही डिसाइड करेगा, क्योंकि काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ए से वो डी के लिए कह रहा है या फिर वो किसके लिए है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो वो हुआ था 2017 में, किसानों की समृद्धि के लिए 2017 में हुआ था, योगी जी के निर्देशन में। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये है सबसे साक्षरता कम है श्रावस्ती में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र के कितने प्रतिशत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी ठीक ढंग से मिला नहीं है, तो अभी मान के चलिए कि 28% है, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है ये भी, तो इसके लिए आयोग का वेट करना पड़ेगा, जब उसकी आएगी सूची तो देखा जाएगा क्या है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पीतल का सामान, हम जानते हैं मुरादाबाद को पीतल नगर कहा जाता है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, तो यहीं से आपका ऑप्शन भी एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी चीज़ें आप मिला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, तो ये है बिरहा चैती ढोला, ये सब। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, ये हैं चरकुला, कर्मा और पांडव, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 69, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, तो ये हुआ है वाराणसी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो वो है आंवला स्थान पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ प्रावधान दिया है और दूसरी तरफ संविधान का भाग, तो नागरिकता भाग 2 में है, ये करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भाग 5 में है, तो इस तरह से ये वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, तो 71 का ऑप्शन बी करेक्ट है। सेवेंटी
72 क्वेश्चन। निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानून करने का अनुपालन सूचित करने होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें से आर सही लग रहा है और ऑप्शन जो अभिकथन ए है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भी कुछ डाउट लग रहा है तो ये आप चेक कर लेंगे बाद में जब आयोग की आएगी ऑफिशियल आंसर की, जो 2-3 दिन में आ जाएगी। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो इसमें आप बड़े आराम से पता लगा लेंगे। 7वीं जो अनुसूची है वो संघ राज्य और समवर्ती सूची से है, तो इसका जो पहला वाला है वो तीसरा हो जाएगा। तो एक तरह से इसमें दो ऑप्शन इस तरीके के हैं। लेकिन 8वीं सूची भाषा से रिलेटेड है, यहाँ भी वही चीज़ है। फिर आपको देखना पड़ेगा सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो कुछ अधिनियमों के विधि मान्य में है, तो ये एक तरह से 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। 73 का ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि ये 1954 में नहीं हुआ था बल्कि ये 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। चालू खाता घाटा तब होता है जब देश की वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसका जो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए हम इसका आंसर अभी नहीं कर रहे हैं। हम बाद में देखेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। डिफेंस एक्सपो और उनके स्थान पर विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ वर्ष दिया है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। तो अभी जस्ट हुआ था जो लखनऊ वाला वो 2020, ये तो सबको कंफर्म होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो 2016 में दक्षिण गोवा हुआ था और 2018 में हैदराबाद में डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1979 में की गई है। सही है। तो कारण सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांग्ला उत्सव मनाया जाता है, यह है मेघालय में।
तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी तरीके से 82 का, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन और नमी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो वो है हीरा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो है सोनार। रामसार सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से, तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। सूची 1 से 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये काफ़ी आसान है। विटामिन सी से अगर नींबू को मिला लेते हैं तो बड़े आसानी से ये मिल जाएगा। तो बी और डी में से कोई ऑप्शन मिलेगा फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये लास्ट वाला सही है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है, तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, उपरोक्त कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्या सागर का, तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बॉक्सर का युद्ध, और उसके बाद है वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आप इनके काल को देख के उस हिसाब से मिला लेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी आपका 1765 में। तो इस तरीके से एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 में, तो इसका भी ये ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 91। राजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो ये महाभारत का है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 92 की निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध और उसके बाद चौसा का युद्ध, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, इसको देख लेंगे आप उसमें हिस्ट्री से तो आराम से मिल जाएगा क्रम से सनवाइज, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। 93। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि सबसे लास्ट में हुआ था पूना एक्ट और सबसे पहले हुआ था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पूना एक्ट। तो इस तरीके से सारी घटनाएं आसपास ही हैं लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इंडियन एसोसिएशन हमें पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं इसके, तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल गटेरियर के संलग्नकर्ता कौन थे, तो ये थे विलियम विल्सन हंटर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो 95 का ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, सब लोगों ने पढ़ा है, ये पहला सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, ये गलत है, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है नीला, काफ़ी आसान है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो अल्बर्ट और मायर का था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आलू है वो फरुखाबाद में नहीं है, बल्कि ये तो इसका जो है यही ऑप्शन सही नहीं है, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है, ये करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक है कि एक सहायक है? भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, ठीक है, ये सही है। रुपये 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है या सीमित होगा यहाँ पे, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये अगर आप कुछ बैंक को भी मिला लें तो आप कूट को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि ICICI बैंक निजी बैंक है, तो बी एक तरह से तीसरा हो गया, और इंडियन बैंक जो है वो सार्वजनिक बैंक है, तो हमें इतने से कंफर्म हो जाएगा कि इसका क्या है, लास्ट ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, ऑपरेशन ट्रस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो ये कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में भी, तो हम इसको भी रहने देते हैं। वैसे ए असत्य लग रहा है और इसका बी पार्ट ही सही लग रहा है, बल्कि ए सही है और आर वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? तो इसका रोजगार सृजन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? इसमें सिक्किम सबसे नीचे आता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आपका मिजोरम हो जाएगा सबसे कम नगरीकरण के स्तर में। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो वो अंडमान निकोबार में है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन में सूची 1-2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं, जादूगुड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है, तो एक तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवन के किससे द्वारा, पवनों में किसके द्वारा होती है? तो वो ऑप्शन ए करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो क्लियर है, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी,
तो म्यांमार की राजधानी रंगून है, तो इसके हिसाब से फिर उसी तरीके से कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा, तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं, एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ शहर है, तो इसका भी ऑप्शन डी ही करेक्ट है। आगे चलते हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित था अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 113 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है, यहाँ पे नागालैंड है जहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 114 भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है वृक्षारोपण से, नीली क्रांति सबको पता है मछली उत्पादन से, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो वो है इंद्रावती नदी पर, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, तो ये है सतलज और काली के बीच, तो इसका भी ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992 में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय था या थीम था, तो वो था सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो है कंगना रनौत। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, तो वो हैं 4, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, फर्नांडीज और एक लोग और हैं, 4 लोग को दिया गया है। 122 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, तो ये है पोलीला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो वो था आपदा प्रबंधन से, ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपदा प्रबंधन, जो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन 125 संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वैरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या शे कथन सही है, तो यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला, सही है। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 127, ये कूट भाषा में कारपेट को ऐसा लिखा जा रहा है, तो नेशनल को हम क्या लिखेंगे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन सी भी बता रहे हैं, तो देखना है कि आयोग क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद 1 घंटा विलंब हो जाएगी, इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये 1140 मिनट में इसका आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही है। किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि एचई इक्वल टू 41 हो और एसएचई इक्वल टू 49, देन देम किसके बराबर होगा या THEM किसके बराबर होगा, तो ये इक्वल होगा 62, इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ये पीछे से अगर हम ABCD को काउंट करेंगे
तो हमारा H और E, H हमारा 19 पे आता है और E जो है 22 पे आता है, तो 19 प्लस 22, हम Z से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो H हमारा 19 पे है और E 22 पे है, तो 19 प्लस 22 इज इक्वल टू 41। और SHE निकालेंगे तो HE के साथ एक S भी जुड़ जाएगा और यस हमारा 8 नंबर पे आता है पीछे से, तो उसको ऐड करेंगे तो 49 होगा। तो उसी तरीके से इसमें T एक तरह से 7 पे आ जाएगा और M को उसी तरीके से हम पीछे से काउंट कर लेंगे, तो ये करीब अब जब उसको जितने नंबर पे आएगा उसको हम ऐड करेंगे, तो हम टाइम नहीं ले रहे हैं, 62 हो जाएगा उसका। M को आप पीछे से काउंट करके रख लीजिए, हो जाएगा तो शायद 12 आएगा, ठीक है। KLM तो उसको आप ऐड कर लेंगे पीछे से, जो M का नंबर आएगा तो अपने आप हो आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो काउंटिंग हमें हमेशा Z से शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 130, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा आपका बुधवार। तो आप चाहें तो वीक ऐड करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 10 दिसंबर को भी रविवार होगा, 17 दिसंबर को भी रविवार होगा और 24 दिसंबर को भी रविवार होगा और 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। तो 31 के बाद 3 दिन बचता है, 1, 2, 3, तो बुधवार। स्वप्न का जैसे वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे है? तो वो है सत्य से। मिथ्या एक तरह से झूठ है, तो वो सत्य से, क्योंकि यहाँ स्वप्न को हम वास्तविकता से देख रहे हैं, तो मिथ्या सत्य से संबंधित होगा। और ये जो 132 है, एक आकृति है जिसमें हमें यहाँ का क्वेश्चन मार्क बताना है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको, बड़े अक्षरों को हम दर्पण में देखेंगे तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो दर्पण में समान दिखेंगे, मतलब ऐसे भी है और दर्पण में भी देखेंगे तो समान दिखेंगे, ऐसे 11 अक्षर होते हैं। अब चाहें तो ABCD लगा के लिख के उसको दर्पण से देख सकते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जनरली कानपुर में है, लेकिन कानपुर में स्पेशली ये उन्नाव में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित किया गया था 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये IIVR जो है ये वाराणसी में है, लखनऊ में नहीं है, इसलिए यही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे है तो यहाँ पे जो पीतल की मूर्तियाँ हैं यही सही नहीं है, बाकी सब करेक्ट है, क्योंकि ये मुरादाबाद में होता है। तो 137 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। 138, सूची 1, 2 को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही मिलान करके उत्तर दीजिए। तो एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ जनपद, तो यहाँ हम जानते हैं बड़ा फेमस है ददरी मेला बलिया के लिए, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट लग रहा है, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देवी पाटन क्लियर है, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बुक्शा जनजाति कहाँ रहती है? तो वो है बिजनौर, बिजनौर में ज़्यादा मात्रा में बुक्शा जनजाति रहती है।
उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो वो हैं 9। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन में समीक्षा अधिकारी के पेपर में, पेपर 1 में पूछा गया था। तो आई होप कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सही डिस्कस हुआ है। अब ऑफिशियल आएगी तो बाकी चीज़ें चेक हो जाएंगी, 4-5 क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।